वेलकम टू अभिशन इंस्टीट्यूट। अभिशन पर सबका स्वागत है। ठीक, तो आप लोगों के लिए आज का सेशन है यूनिट डीट और लास्ट टू डीट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये सेशन है, हम लास्ट क्लास में भी बोले थे वो क्या है, तो स्टडी फ्रॉम होम वाला सेशन है। ठीक है, एग्जाम सामने आ रहा है। ठीक है, कोरोना पैंडेमिक के लिए बहुत सारा एग्जाम पीछे हो गया है, पोस्टपोन हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है कंडक्ट नहीं होगा, कंडक्ट जरूर होगा। तो इसके लिए आप लोगों को प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि जब भी सिचुएशन ठीक होगा उसी वक्त आप लोगों का नोटिफिकेशन आ जाएगा एग्जाम का। सो प्रिपेयर रहिए, इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए। तो चलिए, अच्छा, क्लास को स्टार्ट करते हैं। वो क्लास का नाम क्या है, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, यूनिट डिजिट तो मतलब क्वेश्चन से क्या आता है, हम लोग क्वेश्चन देगा कुछ रेल ऑफ नंबर्स होगा, तो रेल ऑफ नंबर्स से हमको क्या फाइंड आउट करना है, उसका यूनिट प्लेस का डिजिट कितना है। बहुत चीज ईजी है, तो ऑल टाइम इजी क्वेश्चन नहीं पूछते, छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ट्रिकी कैसे हैंडल करेंगे वो भी बोलेंगे, और बेसिक चीज से इसको पूरा शुरू से लास्ट तक बोलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट डिजिट का जो है फंडा क्या है, जैसे कि 729। ठीक है, इसके यूनिट प्लेस का डिजिट क्या है, 9 है। यूनिट प्लेस मतलब क्या होता है, जो नंबर का लास्ट में जो नंबर रहता है उसको बोलते हैं यूनिट प्लेस। ठीक है, तो 729 के लास्ट में क्या है, 9 है। क्लियर? तो क्वेश्चन में क्या ये पूछा जाएगा, कभी नहीं पूछा जाएगा, क्लास 1 का बच्चे को भी ये पूछता नहीं है। तो पूछा गया क्या, पूछा जाएगा क्या, 729 × 835, इसका यूनिट डिजिट क्या है। तो इसके लिए क्या, आपको थोड़ी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 729 × 835, ये कतई करने की जरूरत नहीं। आपको क्या देखना है, सिर्फ 9 × 5 देखना है। 9 × 5 क्या दे रहा है, सिर्फ आपको 9 × 5 देखना है। तो 9 × 5 कितना है, 45। तो 45 में भी हमको क्या देखना है, हमको सिर्फ यूनिट डिजिट ही देखना है, क्योंकि टॉपिक का नाम ही है यूनिट डिजिट कंसेप्ट, गॉट इट। तो 45 में हमको क्या देखना है, 5 देखना है। तो इसका जो यूनिट डिजिट हो जाएगा आपका क्या आ जाएगा, 5। क्लियर हुआ है बात, ओके? चलिए नेक्स्ट पोर्शन को देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट को। अब देखिए, मान लीजिए कुछ इस तरह से है, इसका क्या होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए 5 है लास्ट में। ठीक है, अब एक चीज देखिए, इसको पूरा मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट में जब भी 5 मिलेगा तो ऑलवेज आपके यूनिट प्लेस में डिजिट जो होगा 5 ही रहेगा। कैसे, देख लीजिए तो एक बार, 5 × 9 = 45 में फिर से 5 लेंगे, 5 × 5 = 25, फिर से 5, तो मतलब हमका आंसर कितना हो जाएगा, 5। बस क्लियर है? तो लास्ट प्लेस में, ठीक है, 5 रहेगा। ठीक है, बाकी नंबर में 0 एक्सेप्ट, बाकी कोई नंबर रहेगा, ओनली 0 एक्सेप्ट। 0 होगा तो आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि 5 × 0 जीरो होता है। लेकिन बाकी सारा केस में, या जैसे कि कोई इवन नंबर के केस में, जैसे कि मान लीजिए 8 है, तब भी जीरो आ सकता है। मतलब 5 के साथ कोई ऑड नंबर मल्टीप्लाई होगा तो ऑलवेज उसका 5 ही आएगा। तो इसमें देखिए 9 है, ये 5 है, दोनों ऑड नंबर है, मतलब इसका आंसर जो होगा 5 ही आएगा। लेकिन ये 9 की जगह मान लीजिए 8 है, तब क्या हो सकता है, 5 × 8 = 40, तो 40 का जीरो लेंगे, तो 0 × 5 = 0। बात क्लियर है, ये है आपका ये फंडा। तो चलिए और थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं, इस कैसे कैसे आगे जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 7 × 9 = 825 + 6 × 9 = 32 = 325 + देखिए इतना बड़ा रामायण लिखा हुआ है। ठीक है, इतना बड़ा रामायण के छोटे एक आंसर होगा, कैसे करेंगे, 3 × 5 कितना, 15। तो 15 का क्या है, लास्ट यूनिट का डिजिट 5 है। हो गया 9 × 5 कितना है, 45। 45 के यूनिट प्लेस में क्या है, 5 है। तो 5 × 5 कितना, सॉरी 5 × 5 नहीं, हमें करना नहीं है, प्लस तो है इसमें, ऑपरेशन 5 है। अच्छा, तो पहले लिख देते हैं, इसका 5 है, इसका भी 5 है। अब इसका 6 × 7 कितना, 42। यूनिट प्लेस में क्या है, 2 है, प्लस 2। अब ऐड करते हैं, 5 + 5 + 2 दैट इज इक्वल टू 12। 12 के यूनिट प्लेस में क्या है, 2 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो आपको जो भी ऑपरेशन दिया रहेगा वही ऑपरेशन आपको करना है। क्लियर? चलिए दूसरा और एक देखते हैं। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा, चलिए तो क्या करेंगे हम लोग, 9 × 8। ठीक है,
9 into 8, ये 9 है, ठीक है, 9 into 8, कितना 72, 72 का क्या लेंगे, only 2 लेंगे, हो गया, 2 into 9, कितना 18, 18 का क्या लेंगे, only 8 लेंगे, तो मतलब ये वाला पूरा चीज का, यूनिट प्लेस का डिजिट कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है, चलिए, अब इस वाला पार्ट को देखते हैं, 5 into 8, कितना 40, 40 में यूनिट प्लेस में क्या रहता है, 0, तो इसमें क्या आ जाएगा, 0, ठीक है, 9 into 3, कितना 27 में यूनिट प्लेस में क्या है 7, तो मतलब क्या हो जाएगा प्लस 7, टोटल ऐड करें कितना आएगा 8 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 15, 15 में यूनिट प्लेस में क्या है 5 है, दैट इज ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, ये चीज इतना इजी है, ठीक है, लेकिन एग्जाम में ये कभी कतई नहीं पूछेगा, एग्जाम में क्या पूछेगा आप वो देखते हैं, एग्जाम में पूछेगा 8372 टू दी पावर प्लस 2 कुछ इस तरह से, इसका यूनिट प्लेस का डिजिट कितना होगा, ठीक है, तो इसके जानने के पहले हमको कुछ चीज जानना पड़ेगा, ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से देगा एग्जाम में, ठीक है, तो चलिए इसको कुछ एक एक देखते हैं, इसका यूनिट प्लेस को लेके ही काम करना है, तो दैट मींस हमको यूनिट प्लेस से जाना है, तो कोई भी नंबर का यूनिट प्लेस में जीरो रहेगा, कोई भी नंबर का यूनिट प्लेस में जीरो रहेगा, तो जीरो का पावर जो भी चीज होगा, जीरो का पावर जो भी 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जो भी नंबर होगा, ऑलवेज उसका वैल्यू कितना आएगा, जीरो ही आएगा यूनिट प्लेस में, बात क्लियर है, क्योंकि सामने वाला नंबर को हमको देखना नहीं है, क्योंकि हमको सामने वाला नंबर से कोई मतलब नहीं, हमको जो मतलब है हमको यूनिट वाला प्लेस वाला नंबर से ही मतलब है, और उसका पावर कितना होगा, जीरो होगा, तो उसका वैल्यू ऑलवेज जीरो रहेगा, क्लियर है ये चीज, जीरो का हम लोग को फंडा क्लियर है। अब चलिए जीरो के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, वन लिखेंगे, अब देखिए वन का पावर 2 है, 3 है, 4 है, जो भी चीज है, देखिए पावर मतलब क्या है, कोई भी नंबर का पावर है, एक्स टू द पावर आपका 23 है, मतलब क्या है, ऐसे 23 नंबर ऑफ x मल्टीप्लाई करके जाएगा, वही है ना, तो सिमिलरली एक का पावर समथिंग है, जैसे कि 1 से लेके इनफाइनाइट तक है, तो मतलब क्या होगा 1 × 1 × 1 × ……1 मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ 1 मल्टीप्लाई होगा, तो 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे ऑलवेज 1 ही आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, जब 1 यूनिट प्लेस में रहेगा उसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है, ऐसे और भी दो तीन नंबर है जिसका यूनिट प्लेस में जो वैल्यू होता है रिजल्ट वैल्यू भी वही होता है, ठीक है, जीरो हो गया हम लोगों के पास, उसके बाद क्या हो गया, वन हो गया, आप देखते हैं फाइव वाला, फाइव का भी देखेंगे, फाइव का कोई भी पावर 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक कोई भी पावर देखेंगे हम लोगों को वैल्यू जो आएगा फाइव ही आएगा, यूनिट प्लेस का वैल्यू ऑलवेज फाइव आएगा, क्योंकि फाइव का स्क्वायर कितना होता है 25, देखिए लास्ट में फाइव आ रहा है, फाइव का क्यूब कितना आ रहा है 125, देखिए लास्ट में भी फाइव आ रहा है, बात क्लियर हुआ, तो मतलब 0, 1, 5 ये तीनों का केस में क्या आ रहा है, लास्ट डिजिट जो नंबर है यूनिट प्लेस में वही डिजिट आपका रिजल्ट भी आ रहा है, ठीक है, और एक नंबर है दैट इज 6, 6 का भी कोई भी पावर ले लीजिए 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी पावर ले लीजिए, 6 का जो भी पावर लेंगे उसका यूनिट प्लेस भी 6 ही आएगा, देखिए तो 6 का स्क्वायर दैट इज 36, 6 आ रहा है, 6 का क्यूब दैट इज इक्वल टू 216, देखिए 6 आ रहा है, तो मतलब 6 का केस में भी जो नंबर यूनिट प्लेस में होगा उसका कोई भी नंबर पावर में आ जाए, n नंबर ऑफ पावर्स में आ जाए वही नंबर आपका आ जाएगा, तो इसको हम लोग समराइज करके कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं, एक नंबर है यूनिट प्लेस में 0 होगा, उसका टू द पावर n है, वैल्यू कितना आएगा 0, नंबर है उसका यूनिट प्लस में 1 है, उसका टू द पावर क्या है n है, क्या आ जाएगा 1, नंबर है उसके यूनिट प्लस में कितना है 5 है, टू द पावर कितना है n है, कितना आ जाएगा 5, नंबर है यूनिट प्लस में 6 है, उसके टू द पावर n है, कितना आ जाएगा 6, तो मतलब जो नंबर आ रहा है ये चार नंबर के केस में 0, 1, 5, 6 ये चार नंबर के केस में ऑलवेज सेम वही नंबर
रिजल्ट में या फिर यूनिट प्लेस में आ जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ किस? चलिए, तो चार नंबर हम लोगों का हो गया, बाकी और भी छह नंबर बाकी है, जीरो से लेकर टेन तक। ये जो नंबर है, चार नंबर हो गया। अब चलिए देखते हैं चार का, फोर। यूनिट प्लेस में फोर है, ठीक है, यूनिट प्लेस में फोर है। सामने कोई भी नंबर होते हैं, वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। हमको सिर्फ देखना क्या है, यूनिट प्लेस का डिजिट से ही काम करना है। तो लास्ट प्लेस में फोर है, उसका पावर एन है, इनका पावर ऑड होगा। इनका पावर ऑड है मतलब क्या है, ऑड वैल्यू क्या क्या हो सकता है, वन थ्री फाइव सेवन डॉट, मतलब एक वैल्यू जाम करते करते जाएगा, वन के बाद और एक नंबर जाम, मतलब टू को जाम करके थ्री, थ्री को जाम करके फाइव, लाइक दैट। ठीक है, जब ऑड वैल्यू होगा, एन का वैल्यू जब ऑड होगा तो फोर्थ का पावर ऑड जब होगा उसका वैल्यू ऑलवेज फोर ही आएगा। ठीक है, चलिए करके देख लेते हैं। फोर टू दी पावर वन, फोर, फोर का क्यूब कितना होगा, सिक्सटी फोर। ठीक है, तो लाइक दैट सो ऑन। फोर टू दी पावर फाइव, चलिए देखते हैं, फोर भी फोर ही आ रहा है। ठीक है, तो मतलब लास्ट प्लेस में ऑलवेज फोर ही आएगा जब ऑड में पूछा जाएगा। जब एन का वैल्यू इवन है तब क्या हो जाएगा, आपका सिक्स आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं, फोर का पावर टू है, कितना आ जाएगा, सिक्सटीन। क्लियर हुआ, फोर का पावर फोर है, ठीक है, वो भी लास्ट में देखेंगे सिक्स ही आ रहा है। ये फोर का क्यूब है कितना, सिक्सटी फोर इंटू फोर हो गया, लास्ट में सिक्स आएगा, बट वही है। तो फोर का फंडा क्लियर हुआ, तो फोर का पावर में ऑड नंबर होगा तो फोर आएगा, इवन नंबर होगा तो सिक्स आएगा। ठीक है, फोर के साथ साथ और एक नंबर है, दैट इज नाइन। चलिए, नाइन का मान लीजिए, कोई भी नंबर का लास्ट में नाइन है, उसका पावर है एन है, एन ऑड हो जाए, एन ऑड हो जाए, जैसे कि वन थ्री फाइव सेवन लाइक दैट सो ऑन, तब क्या आ जाएगा, हम लोगों का नाइन आ जाएगा। जैसे कि फोर आ रहा था उसमें नाइन आएगा। ठीक है, जब एन का पावर इवन हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, आपका वन आ जाएगा। चलिए देख लेते, जैसे कि नाइन का, नाइन टू द पावर वन नाइन, नाइन टू द पावर क्यूब सेवन ट्वेंटी नाइन। सिमिलरली स्क्वायर को देख लेते हैं, नाइन स्क्वायर एट्टी वन। बात क्लियर हुआ, तो मतलब जब नाइन के केस में ऑड पावर होगा नाइन आ जाएगा, इवन पावर होगा आपका वन आ जाएगा। तो हम लोगों का नंबर क्या क्या हो गया, जीरो वन फोर फाइव सिक्स नाइन, ये टोटल छह नंबर हम लोगों का आ गया है। ठीक है, जीरो वन फोर फाइव सिक्स नाइन, तीन तीन छह। ठीक है, बाकी है, तो बाकी क्या क्या है, टू बाकी है, थ्री बाकी है, एट बाकी है, सेवन बाकी है। चलिए इसको भी जान लेते हैं। अब एक चीज देखिए, चलिए हम टू का देखते हैं। ठीक है, अब टू को देखते हैं। अब देखिए, टू का पावर वन है, ठीक है, कितना आएगा, टू। ठीक है, टू का पावर टू है आ जाएगा फोर, टू का पावर थ्री है आ जाएगा एट, टू का पावर फोर है आ जाएगा सिक्सटीन, सिक्स। हम लोग यूनिट प्लेस का डिग्री देखेंगे। ठीक है, टू का पावर फाइव है कितना आ जाएगा, थर्टी टू। देखिए एक चीज फॉलो कीजिए, तो अभी टू फोर एट सिक्स, हम लोग सिर्फ यूनिट प्लेस को ही देखेंगे। ठीक है, टू फोर एट सिक्स, देखिए तो फिर से टू रिपीट हो रहा है ना। चलिए और देख लेते, टू टू द पावर सिक्स सिक्सटी फोर, देखिए तो अब फोर रिपीट हो रहा है ना। टू टू द पावर सेवन वन ट्वेंटी एट, देखिए तो एट रिपीट हो रहा है ना। ठीक है, टू टू द पावर एट कितना होगा, फाइव वन एट, टू फिफ्टी सिक्स, टू फिफ्टी सिक्स। हम ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, नीचे जगह नहीं है, ऊपर लिख देते हैं। अब देखिए टू टू द पावर एट 256, ठीक है, देखिए 6 आ, तो मतलब देखिए 2486 के बाद फिर से यूनिट प्लेस का डिजिट रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसको बुलाया था साइक्लिक पीरियडिसिटी या फिर साइक्लिसिटी, पीरियडिसिटी। ठीक है,
मतलब एक चार बारी के बाद फिर से वो नंबर सेम नंबर रिपीट हो रहा है, तो रिपीटेशन एक है, ठीक है, मतलब कैसे हैंडल करेंगे वो भी बोलेंगे। चलिए देखते जाइए कैसे कैसे करेंगे हम लोग। सिमिलरली अब तीन का देख लेते हैं, तीन का पावर कितना है वन, कितना आएगा तीन, तीन का पावर दो है कितना आएगा नौ, तीन का पावर तीन है कितना आएगा ट्वेंटी सेवन, तीन का पावर चार है कितना आएगा एट्टी वन, ठीक है। तो तीन का पावर पांच करेंगे 243, ठीक है, ऐसे सो ऑन। अब देखिए फिर से देखिए तो तीन के केस में भी देखिए तो 3 9 7 1 फिर से रिपीट हो रहा है, तीन सिक्स करके देखिए 3 3 9 देखिए 9 रिपीट हो रहा है, सेवन करके देखिए 27 7 रिपीट हो रहा है, एट करके देखिए 1 7 3 21 1 देखिए तो फिर से 3 9 2 7 1 3 9 7 1 टू के तरह रिपीट हो रहा है चार बार के बाद बाद। बात क्लियर हुआ, मतलब इसका पीरियडिसिटी कितना है चार है, तो टू का भी पीरियडिसिटी चार है, आपका थ्री का भी पीरियडिसिटी चार है, हो गया। चलिए बाकी और दो नंबर देख लेते, अभी सात को देखते हैं। चलिए सात का पावर वन है सात है, सात का पावर दो है 49 है, सात का पावर हम लोग सिर्फ यूनिट डिजिट को देखते हैं, ठीक है, थ्री है वन है फिर से सात नौ थ्री वन देखिए फिर से फॉलो कीजिए, देखिए 7 9 3 1 7 9 3 1 मतलब फिर से दो और तीन के तरह चार नंबर बार के बाद फिर से वो रिपीट हो रहा है, इसका भी पीरियडिसिटी क्या है चार ही है, तो मतलब सेवन का भी पीरियडिसिटी चार है, ठीक है। चलिए अब एट का देख लेते हैं, चलिए उसके बाद हम लोग एक कंक्लूशन में आएंगे। एट का पावर वन है एट है, एट का पावर टू है 64 मतलब फोर है, ठीक है, हम लोग यूनिट प्लेस को देख लेते हैं और ज्यादा जगह जाएंगे नहीं, टू है फोर है सिक्स है एट है फोर है टू है एट सिक्स है। अब देखिए फिर से देखिए तो 8 4 2 6 8 4 2 6 मतलब ये साइकिल फिर से रिपीट हो रहा है, एट के केस में भी रिपीट हो रहा है, मतलब ये 2 3 7 8 जो चार डिजिट है ये चार डिजिट का पीरियडिसिटी कितना है चार है, इसमें ही ये रिपीटेशन आ रहा है चार साइकिल के बाद, ठीक है। बाकी जो नंबर है ऐसा कुछ रिपीटेशन हम लोग को देखने को नहीं मिलता, तो चलिए तो उसको कैसे हैंडल करेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है, अब देखते हैं हैंडल कैसे करेंगे। तो मतलब जैसे कि चार इंटरवल के बाद ये रिपीट हो रहा है, तो जैसे कभी क्वेश्चन में मान लीजिए दे दिया है 292 उसका पावर है 328 नहीं ऑन सेवन, ठीक है, तो इसका यूनिट प्लेस का डिजिट क्या होगा, लास्ट में टू है, हम क्या बोले थे टू में ऑलरेडी दिखा चुके हैं, टू में क्या हो रहा है चार इंटरवल के बाद बाद ये रिपीट हो रहा है, इसका पीरियडिसिटी चार है, ठीक है, या फिर साइक्लिसिटी भी बोला जाता है। तो 327 को हम लोग चार से डिवाइड करेंगे, 327 को हम लोग क्या करेंगे चार से डिवाइड करेंगे, चलिए चार से डिवाइड कर लेते हैं, इसका रिमाइंडर कितना आएगा देख लेते हैं। रिमाइंडर आ जाएगा तीन, जो नंबर रिमाइंडर में आएगा हम क्या करेंगे टू का पावर में वो नंबर बैठा देंगे, इसमें रिमाइंडर क्या है तीन है तो थ्री बैठा देंगे, कितना आएगा आपका एट, तो मतलब ये वाला पूरा नंबर का यूनिट प्लेस का कितना आ जाएगा एट। क्लियर हुआ कैसे हम लोगों का अप्रोच जाना है, ठीक है। तो जैसे कि 2 3 8 7 जब ये चार नंबर देखेंगे यूनिट प्लेस में हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग करेंगे कि इसको जो पावर में है वो नंबर को हम लोग चार से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर को
हम वो नंबर का पावर में ले लेंगे। तो मान लीजिए 7 के जगह जो पहले दिए थे हम 8, 8 रहेगा क्या रहेगा, जब 8 होगा तो 8 होगा तो मतलब ये 8 है, तो हम लोग जानते हैं 4 2 8 तो कितना आएगा रिमाइंडर 0, राइट। जब रिमाइंडर 0 आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, यूनिट प्लेस में जो वैल्यू है, जैसे कि 2 होगा तो 2, 3 होगा तो 3, 7 होगा तो 7, 8 होगा तो 8, उसका जो वैल्यू है उसके पावर में 4 ले लेंगे। 4 क्यों लेंगे, क्योंकि टोटल में जा रहा है ना, मतलब टोटल काट रहा है, तो मतलब 4 नंबर बार में काट रहा है नंबर, इसको 4 से डिविजिबल है, तब मतलब क्या लेंगे उसका यूनिट, मतलब पावर में 4 लेंगे। और जब बाकी जो रिमाइंडर आएगा 1 से 3 तक जो रिमाइंडर आएगा 1 2 या फिर 3, उसका उसको पावर में ले लेंगे। जब 0 आएगा रिमाइंडर तब उसके पावर में क्या लेंगे, 4 लेंगे। बात क्लियर हुआ। तो मतलब जब मान लीजिए 2 7 328 है ये नंबर, ये 328 है, तो इसका रिमाइंडर वैल्यू कितना आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 0, तो रिमाइंडर जब 0 आएगा तो 2 to the power 4 लेंगे, 2 to the power 4 का वैल्यू कितना है 16, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा उसका यूनिट प्लेस का डिजिट क्या है, 6 है। क्लियर हुआ चीज। अब देखिए अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मान लीजिए है 327 का 83256, ठीक, इसके यूनिट प्लेसमेंट ईट क्या है, ठीक है। देखिए एक छोटा इसमें भी एक ट्रिक बोलेंगे, ट्रिक क्या है, जैसे कि हम क्या बोले थे, यस 2 3 7 और 8 जब यूनिट प्लेस में देखेंगे इसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, राइट। लेकिन एक चीज देखिए, 83256 ये इतना बड़ा नंबर है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो टाइम तो लगेगा, हाँ या ना, टाइम लगेगा। तो टाइम को हमको क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग पूरा नंबर को 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, हम लोग लास्ट 2 डिजिट को सिर्फ 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे, मतलब 56 को 4 से डिवाइड करेंगे। चलिए 4 को डिवाइड करके देखते हैं, 4 से 56 को डिवाइड करें, 4 1 4 16, 4 4 16, तो मतलब रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है आपका 0। रिमाइंडर 0 है मतलब 327 का 2 to the power कितना आ जाएगा, 7 to the power 4 आ जाएगा। तो 7 to the power 4 का जो वैल्यू होगा वो वैल्यू कैसे करेंगे, याद नहीं होगा तो क्या करेंगे, 7 into 7 का 7 to the power 1 7, उसके बाद 9, उसके बाद 7 3, उसके बाद क्या होगा 1, तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 to the power 4 का वैल्यू 1, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है। क्लियर हुआ है चीज, ठीक है। देखिए क्यों, अच्छा आप लोगों का मन में ये क्वेश्चन आ सकता है, सर क्यों लास्ट 2 डिजिट बोला है, 3 डिजिट क्यों नहीं बोला। एक चीज फॉलो कीजिए, हम लोग जब डिविजिबिलिटी रूल चेक करते थे, 4 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक करते थे, हम लोग लास्ट 2 डिजिट सिर्फ देखते थे डिविजिबिलिटी रूल में, ठीक है। जैसे कि 8 के जब मान लीजिए क्वेश्चन में बोला जाएगा कि 8 से डिविजिबल की ना है की ना, तो मतलब क्या देखेंगे, लास्ट 3 डिजिट देखेंगे, और 3 डिजिट में जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर, बात वही है, ठीक है। इतना पूरा करने का जरूरत नहीं है, ओके। चलिए दूसरा और एग्जाम्पल देख लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल क्या है आपको वो देख लेते हैं एक बार। जैसे कि मान लीजिए 83256 इंटू 5, ये वाला क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, कैसे करेंगे। अब देखिए 5 का 2 to the power कोई भी नंबर हो जाए, 5 to the power 8 का वैल्यू कितना आ जाता है, 5 आता है, इंटू अब 7 बोला है तो मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, किसको, 82 को, पूरा नंबर को करने का जरूरत नहीं है, थोड़ा देर पहले ही हम बोले थे 4 से जाएगा, 4 2 is 80, तो 2 रहेगा रिमाइंडर में, 2 है तो 7 to the power 2 मतलब क्या होगा, 7 to the power 2 मतलब 49, हम लोग क्या लेंगे, ओनली 9 लेंगे, तो 9 into 5 = 45, मतलब हम लोग क्या लेंगे यूनिट डिजिट फिर से, तो आंसर हो जाएगा यूनिट प्लेस का डिजिट होगा 5। क्लियर हुआ है चीज, ठीक है, ओके। अब और थोड़ा बहुत क्वेश्चन में जाते हैं, चलिए अभी महाभारत दिखाते हैं हम लोगों को, नंबर ले लेते 2 3 7,
ठीक है, ये टोटल नंबर के यूनिट प्लेस में क्या होगा, इतना बड़ा नंबर है तो हम लोग कुछ चीज दिक्कत का कोई बात ही नहीं है, फिर देखेंगे हम लोग आंसर करेंगे। ठीक है चलिए, अब देखिए 7 है तो मतलब इसका पीडीसीडी कितना है, 4 है। चलिए 825 मतलब क्या करेंगे, 25 को 4 से डिवाइड करें, 4 से 25 कितना मजा आता है, 6 या 24, 1 होगा रिमाइंडर, तो 7 टू द पावर 1 मतलब 7। ठीक है इसका हो जाएगा 7। अच्छा 4 का हम क्या बोले थे, ऑड और इवन का फंडा है, तो देखिए ये नंबर क्या है, ऑड नंबर है, जब ऑड नंबर होगा तो क्या आएगा वैल्यू, 4 आएगा, 7 × 4 हो जाएगा। ठीक है अच्छा अब 2 है, ठीक है फिर से इसको डिवाइड करेंगे, 25 से 4 को डिवाइड करेंगे, थोड़ा देर पहले ही पता चला कि रिमाइंडर कितना है, 1 है, तो 2 का पावर 1 मतलब 2। ठीक है अब देखिए 0 का पावर समथिंग मतलब 0 ही होगा, ओके 7 है, 7 इंटू इसका कोई पावर नहीं, ये वाला ऊपर वाला मैथ का क्वेश्चन है, ऊपर वाला पोर्शन है, नीचे वाला है, 7 इंटू 568 टू द पावर 56। 56 को देखते हैं 4 से डिवाइड होता है कि नहीं, 4 से होता है कि नहीं, 4 × 4 = 16, 4 × 4 = 16 मतलब 4 से डिवाइड होता है, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, 8 का पावर 4 लेना पड़ेगा। अच्छा 8 का पावर 4 भूल गया होंगे तो क्या करेंगे, कुछ प्रॉब्लम का जरूरत नहीं, 8 का पावर 2 मतलब 64, 4 लीजिए, क्यूब क्या होगा, 8 × 4 = 32, 2 लीजिए, 8 का पावर 4 मतलब क्या होगा, 8 × 2 = 16, 6 लीजिए, मतलब 8 का पावर 4 क्या हो जाएगा आपका यूनिट प्लेस में 6 हो जाएगा। ठीक है तो 7 × 4 = 28, ठीक है 7 × 4 = 28 यूनिट प्लेस में क्या आ जाएगा, 8, 2 × 0 क्या होगा, 0, यूनिट प्लेस में क्या आ जाएगा, 0, 7 × 6 = 42, यूनिट प्लेस में क्या आ जाएगा, 2 हो गया, तो 8 + 2 कितना आ जाएगा, 10, हमको क्या लेना है, यूनिट प्लेस को ही लेना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0, तो इतना हमारा महाभारत का आंसर होगा 0। बात क्लियर है, चलिए और दो तीन देख लेते हैं। जैसे ही क्वेश्चन में तो बहुत हो गया पुराना बात है, अब कुछ और नया सीखते हैं। मान लीजिए 327 फैक्टोरियल बोला है, 327 फैक्टोरियल बोला है, ठीक है 327 फैक्टोरियल बोला है, 82 का 327 फैक्टोरियल बोला है, 82 का पावर 320, 82 का पावर 327 फैक्टोरियल बोला है, ठीक है तो इसका ये वाला चीज का यूनिट प्लेस में क्या आएगा वो देख लेते हैं। ठीक है अच्छा ये बोलने के पहले एक छोटा चीज बोल देते हैं, वो क्या है, जैसे कि 327 फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल मतलब क्या है, जैसे कि 2 फैक्टोरियल है मतलब क्या है, 2 × 1 है, 3 फैक्टोरियल मतलब क्या है, 3 × 2 × 1 है, 4 फैक्टोरियल मतलब क्या है, 4 × 3 × 2 × 1 है। ठीक है तो मतलब जो भी नंबर फैक्टोरियल होगा तो बेसिकली ये हो जाएगा ऐसा, 327 × 326 × 325 ……1 तक जाएगा ये। ठीक है ये चीज 1 तक जाएगा, हाँ या ना, अच्छा ये 1 तक जा रहा है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये 82 वाला क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले ये 327 का पहले एक बार देख लेते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट जब क्लियर होना शुरू हो जाएगा आप लोगों का तो ये चीज और आसान हो जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन में बोला है ये 327 फैक्टोरियल का यूनिट प्लेस का वैल्यू कितना होगा, ये 327 फैक्टोरियल का यूनिट प्लेस का वैल्यू कितना होगा, ठीक है तो आप क्या लगता है मल्टीप्लाई करेंगे, पॉसिबल तो नहीं है, तो एक चीज फॉलो कीजिए, तो देखिए तो फॉलो कीजिए, तो मान लीजिए आपको 5 फैक्टोरियल बोल रहे हैं, ठीक है 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल मतलब क्या है, ये होगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये होगा, तो अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 × 4 कितना, 20, इधर 0 आ गया यूनिट प्लेस में, मतलब 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा। और ये देखिए 327 फैक्टोरियल में 5 फैक्टोरियल तो होगा ही होगा इसके अंदर, मतलब इसके अंदर 5 × 2 एक तो पेयर होगा ही होगा 5 × 2, मतलब ये टोटल नंबर का यूनिट प्लेस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। बात क्लियर हुआ,
ये टोटल नंबर का यूनिट प्लस का वैल्यू हो जाएगा जीरो। मतलब आपको कभी भी कोई भी नंबर का फैक्टोरियल दे दिया जाएगा, 100 का फैक्टोरियल, 3276 का फैक्टोरियल, 8235 का फैक्टोरियल, जो भी नंबर दिया रहेगा उसका यूनिट प्लेस का जो वैल्यू होगा वो होगा यूनिट प्लेस का बड़ा करके लिख रहे हैं, यूनिट प्लेस का जो वैल्यू होगा वो होगा जीरो। ठीक है, क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में आ जाते, एक चीज देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि 82 का 327 फैक्टोरियल है, 82 का पावर 327 फैक्टोरियल है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। ठीक है, हम क्या बोले थे, कोई भी नंबर को चार से डिवाइड करने पर, कोई भी नंबर को चार से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है, उसका पावर ले लेंगे। तो रिमाइंडर वन आएगा तो इधर क्या होगा, टू का पावर वन हो जाएगा। रिमाइंडर टू आएगा तो टू का पावर टू हो जाएगा। रिमाइंडर थ्री आएगा तो टू का पावर थ्री हो जाएगा, राइट। और रिमाइंडर फोर आएगा, रिमाइंडर जीरो आएगा तो टू का पावर फोर हो जाएगा, राइट। ये था फंडा। लेकिन इतना बड़ा नंबर है, ये नंबर का फोर से डिवाइड कैसे करेंगे, ये फंडा देखिए। छोटा लॉजिक है, ये लॉजिक से हम लोगों का क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। थोड़ा देर पहले क्या बोले थे, फैक्टोरियल मतलब क्या है, जैसे कि 5 फैक्टोरियल है, मतलब 1 × 2 × 3 × 4 × 5, ये था ना 5 फैक्टोरियल। 6 होगा इंटू 6 हो जाएगा, 7 होगा तो इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज देखिए, तो 6 ले लेते हैं। ठीक है, देख लीजिए, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से 4 जा रहा है ना, तो मतलब इसका जो रिमाइंडर होगा 0 होगा ना, हाँ या ना। तो मतलब ये 327 फैक्टोरियल में एक तो कम से कम 4 होगा ही होगा, एक तो कम से कम 8 होगा ही होगा, एक तो कम से कम 12 होगा ही होगा। तो मतलब इसमें एक तो कम से कम 4 का मल्टीपल होगा ही होगा। जब 4 का मल्टीपल है तो इसका रिमाइंडर भी 0 है, इसका रिमाइंडर 0 है, मतलब 2 to the power भी 4 है। तो 2 to the power 4 का वैल्यू कितना है, 16, दैट इज ऑप्शन, मतलब यूनिट प्लेस में क्या आ जाएगा, 6। तो मतलब इतना बड़ा ऋग्वेद का यूनिट प्लेस में आया है 6। बात क्लियर। तो क्वेश्चन कैसे कैसे दे सकता है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा दे सकता है, 23 to the power 286 फैक्टोरियल इंटू 26 फैक्टोरियल प्लस 56 to the power 23 इंटू 20 to the power 487। ठीक है, अब देखिए 26 फैक्टोरियल है, हम क्या बोले थे, फैक्टोरियल के अंदर 2 और 5 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, 5 के बाद से 2 और 5 रहेगा ही रहेगा, 5 के पहले में नहीं, 5 के बाद से 2 और 5 रहेगा ही रहेगा, मतलब 0 आएगा ही आएगा। तो 0 आएगा मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा 0, 0 के साथ इधर कोई भी वैल्यू आ जाए हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा, 0। अब चलिए इसको देख लेते हैं, 6 का पावर 23 है, 6 का कोई भी पावर में क्या होता है, 6 ही आता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 6। 3 का पावर 487 है, 2378 बोला था तो 487 है, तो हम लोग क्या करना है, 4 को ओनली 87 से डिवाइड करना है। थोड़ा देर पहले ही बोले थे 4 2 8 7 आ जाएगा, 4 1 4 नीचे रिमाइंडर 3, तो 3 का पावर में 3, तो 3 का पावर में 3 मतलब क्या है, 3 का पावर 2 मतलब 9 है, 3 का पावर 3 मतलब 7 है, 27। तो मतलब 0 प्लस 6 इंटू 7 तो 0 प्लस 42, तो 42 का 2 लेंगे तो मतलब 2 प्लस 0 हो जाएगा आपका। क्लियर है चीज, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो मतलब ये सब क्वेश्चन देने पर कोई भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको दिमाग को लेके खेल रहा है। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत ये सारा कंसेप्ट मिल जाएगा ना, ये करना बहुत आसान हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, नथिंग। चलिए और एक 2-3 देख लेते हैं। इसके मान लीजिए दे दिया है 30, बड़ा नंबर नहीं, छोटा मोटा नंबर लेते हैं, उसके बाद बड़ा नंबर क्या करेंगे। ठीक है, 26 का पावर 16, उसके पास 16 है, इसके यूनिट प्लेस में क्या आएगा। ठीक,
कैसे निकालेंगे, चलिए वो देख लेते। अच्छा किस, देखिए 2 का पार्ट 2 है, उसका पार्ट इसका ऐसे नहीं, और देख लेते और कोई नंबर देख लेते। 4 का पावर 4 है, उसका पावर 4 है, इसका मतलब क्या है? अब देखिए 4 का पावर 4 मतलब क्या है, 4 का पावर 4, 4 का पावर 4 मतलब क्या है, मतलब 4 ऐसा 4 है ना, 4 ऐसा 4 है ना, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, 64 इंटू 4, ठीक है, ठीक है। तो 4 का पावर 4 मतलब ये है। अच्छा मान लीजिए आपको ये दे दिया है, इसका मतलब क्या है, ऐसा है कुछ, ठीक है, इसका मतलब क्या है, तो 4 इंटू 4 है इसका मतलब, ठीक है, इसका मतलब है 16, मतलब ये क्या है 4 का पावर 16 है। तो ये आप लोगों का मतलब फर्क क्लियर है ये चीज का, एक 4 का पावर 4 और कुछ इस तरह ब्रैकेट देके बोला है, ऐसा बोला है, ऐसा ब्रैकेट देके बोला है कुछ इस तरह से, 4 इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 4 टू द पावर है 16, और इसका मतलब है 4 4 मतलब है 4 टू द पावर 256 है। दोनों का फर्क तो ऑलरेडी क्लियर है। अब क्वेश्चन में ऐसा कुछ ब्रैकेट ब्रैकेट तो नहीं दिया है, तो कैसे करेंगे इसको, चलिए देख लेते हैं। अच्छा ये वाला पार्ट को हम लोग एन ले लेते हैं, तो क्या होगा ये 16 टू द पावर एन होगा। तो पहले इनका देख लेते हैं, इनका यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है, ठीक है। अच्छा 16 टू द पावर 16 है, 6 का यूनिट प्लेस में क्या है, 6 है, राइट। तो 6 का कोई भी पावर क्या होता है, 6 ही आता है, तो मतलब इसका एन का जो यूनिट प्लेस होगा वो 6 हो जाएगा, हाँ या ना। तो दैट मीन 16 टू द पावर 6 क्या हो जाएगा, फिर से यूनिट प्लेस में 6 है, तो 6 का पावर कोई भी हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 6। तो मतलब ये टोटल, ये जो नंबर है, ये टोटल जो नंबर है इसका यूनिट प्लेस में आ जाएगा 6। और इतना कुछ करने का जरूरत भी नहीं था, 6 जब लास्ट में है तो 6 ही आएगा। तो मान लीजिए 6 की जगह 4 दे दिया है या फिर 2 दे दिया है, तब तो मुश्किल हो सकता है, इसलिए मैं ये चीज किया, मान लीजिए 12 टू द पावर 12 टू द पावर 12, ठीक है। सेम फंडा अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे 12 के पावर 12 है, 12 के पावर 12, थोड़ा देर पहले ही बोले थे 12 का पावर 12 है, मतलब 12 4 से डायरेक्ट डिविजिबल है, तो मतलब हम क्या करेंगे 2 टू द पावर 4 करेंगे। 2 टू द पावर 4 का वैल्यू कितना होता है, 16 होता है, तो मतलब क्या है यूनिट प्लेस में 6 है, तो 2 टू द पावर 6 है, तो 2 टू द पावर 6 मतलब क्या है, इसको डिवाइड करेंगे 4 से, मतलब क्या आ जाएगा, ओनली 2 आ जाएगा, तो ओनली 2 है, मतलब इसके यूनिट प्लेस में क्या है 4 है। ये 2 कैसे आया है, 4 से 6 को डिवाइड कीजिए, 4 वन सा 4, रिमाइंडर में 2 है, इसलिए हमने 2 पर पुट कर दिया, 6 की जगह 2 पुट कर दिया, रिमाइंडर ही हमको पुट करना था, 2 3 पर 2 क्या होगा 4 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो फंडा क्लियर है ये चीज का, तो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है? तो हम लोगों का क्वेश्चन कुछ इस तरह से ही देगा, ठीक है, क्वेश्चन को आप लोगों को इस तरह से ही देगा। अच्छा जैसे कि मान लीजिए आपको ऐसा दे रहा है 419 स्क्वायर 4 क्यूब 9 4 4 टू द पावर 4 सॉरी 4 टू द पावर 5 9 टू द पावर 6 डॉट 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 सो ऑन, ठीक है, 100 प्लेस तक है, 100 मतलब क्या होगा, 4 से शुरू होगा तो मतलब ये 9 टू द पावर 100 हो जाएगा ये, ठीक है, उसके पहले हो जाएगा 4 टू द पावर 99, ठीक है। इसका यूनिट प्लेस में वैल्यू कितना होगा, तो कैसे करेंगे आप देखिए, तो देखिए एक चीज फॉलो कीजिए, 4 का पावर 1 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, 99 है, सो ऑन है, मतलब 4 का पावर में सिर्फ ऑड वैल्यू ही आ रहा है। सिमिलरली 9 का पावर में 2 है, इसमें 4 है, इसमें 6 है, सो ऑन 100 तक है, मतलब 9 का पावर में क्या आ रहा है, 9 का पावर में इवन नंबर आ रहा है, राइट। तो इसके यूनिट प्लेस में क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेग्रीगेट करते हैं पहले, ठीक है, चलिए इसको सेग्रीगेट करते हैं, चलिए 4 का 1 4 का क्यूब कितना जाएगा, टोटल 50 नंबर ऑफ इसका आपका क्या होगा, नंबर मिलेगा 50 नंबर्स मिलेगा टोटल,
50 तक नंबर, क्योंकि ऑड और इवन 50-50 होता है 100 में, ठीक है। तो मतलब 1-3 ऐसे करते करते 49 तक जाएगा ये चीज। तो एक चीज देखिए, 4 का पावर ऑड वैल्यू है, मतलब क्या जानते हैं हम लोग, उसका वैल्यू ऑलवेज 4 ही मिलता है। तो ऐसे टोटल 50 तक जाएगा, तो उसके टोटल 50 तक जाएगा मतलब क्या है, टोटल 50 ऐसा, टोटल 50 नंबर्स है ना, 4 to the power 1, 4 to the power 3, 4 to the power 5 ऐसे करते टोटल 50, टोटल 50 तक टर्म है, 50th टर्म है, टोटल 50 नंबर ऑफ टर्म है, राइट। तो हर एक टर्म का यूनिट प्लेस का वैल्यू 4 होगा, तो 50 नंबर ऑफ टर्म का वैल्यू कितना होगा, 4 × 50 दैट इज इक्वल टू 200। यूनिट प्लेस में क्या होगा, 0, राइट। अब 9 का देख लेते, 9 में क्या होता है, देखिए तो 9 का स्क्वायर है, 9 का क्यूब है, 9 का क्या है, सॉरी क्यूब नहीं है, इसमें 4 है, 9 का 6 है, 9 का 8 है, 100 तक जाएगा, राइट, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या होगा, इसमें भी 50 नंबर ऑफ इवेंट टर्म है, इसमें 50 नंबर ऑफ ऑड टर्म है, तो इसमें 50 नंबर ऑफ इवेंट टर्म है, राइट। हम जानते हैं 9 का पावर जब इवेंट होता है तब क्या होता है, वैल्यू 1 आता है ना, तो 50 नंबर ऑफ इवेंट टर्म है मतलब क्या है, 50 × 1 है, इज इक्वल टू 50, राइट। इसका भी यूनिट प्लेस में कितना आ रहा है, 0, इसका भी यूनिट प्लेस में कितना आ रहा है, 0, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 + 0 इक्वल टू 0, सॉरी 50 × 1, हाँ ठीक है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो आपका ये इतना बड़ा क्वेश्चन था, इसका आंसर आ गया ओनली 0, ठीक है, क्लियर है चीज। तो आज का क्लास इतना ही, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में और थोड़ा क्वेश्चन करेंगे, और थोड़ा चीज बोलेंगे, ठीक है, और नया नया कंसेप्ट बोलेंगे। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो एक थम्स अप, तो आप लोग दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब थम्स अप बनता है हम लोगों का, इतना मेहनत कर रहे हैं हम लोग पेंडेमिक सिचुएशन में भी, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।